अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये गौरी टाउन का इलाका है इस्लामाबाद का। यहाँ पे फेज़ 7 है, फेज़ 7 और फेज़ 8 में लाइट नहीं है, तो यहाँ पे हमारी मजबूरी बन गई कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें जनरेटर लाना पड़ा। ये जनरेटर पड़ा हुआ है, ये भी हम किराए पे लेके आए हैं समझ लो। तो ये देखें माशाल्लाह इसका काम जो है, ठीक है, ये चेक करें इसका लेवल। वो तो मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ कि चेक करें, लेकिन आप लोग चेक नहीं करते, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये इसमें प्लेटें लगी हुई हैं लोंगी की, टियर 1 में A+ ग्रेड है, जो टॉप 10 में 1 नंबर पे है, ठीक है। ये कॉलम देखे खड़े हुए हैं, ये टिल्ट इसलिए बनाया यहाँ से, ये देखें, क्योंकि साउथ हमारा जो है ना, वेस्ट इधर है, इसीलिए हमने ये देखें पूरा एंगल इसका रख के बताया। इसके ठिए भर दिए हमने, कालम खड़े हुए हैं, ये पैनल देखें इसके, ठीक है। ये सपोर्टें लगाई हैं, आप कहते हैं सपोर्टें दिखाते रहते हो भाई, तो सपोर्टें नहीं होंगी तो फिर काम कैसे करेगा ये बताएं। लोग कहते हैं यार ये तो सब काम करते हैं, ये तो बच्चों वाला काम है, आप दिखाते हो बच्चों वाला काम है। कभी आपने देखा है कि वेल्डिंग वाले ने आपकी ये भराई की हो, सारी भराई की हो, कभी आपने देखा है? सिर्फ वो टुच लगाते हैं, खाली टुच, भराई कोई नहीं करता। ये नज़र आ रहा है आपको, ये टोटल भराई हुई है इसकी, ये सारी जितनी भी वेल्डिंग है मेरी सारी भराई हुई होगी इसमें, कहीं से कोई आपको लूजिंग और कहीं से आपको वो छूटा हुआ जगह नज़र नहीं आएगी। ये देखें, मेरा मकसद दिखाने का ये होता है आपको, और कुछ नहीं। ये स्पोर्ट लगी हुई है क्योंकि ये हाइट पे है, तो इस वजह से इस तरफ से हमने स्पोर्टें लगाई हैं। बीच वाले कालमों में स्पोर्टें नहीं होती, लोग तो आगे वालों में भी नहीं लगाते। आप दूसरी कोई वीडियो निकाल के देखें, आगे वाली भी स्पोर्टें नहीं होती। तो ये हमने डायरेक्शन इस हिसाब से किया है कि ये देखें पर्दी के साथ सपोर्ट भी आ गई और नीचे की भी सपोर्टें लगी हुई हैं, क्योंकि सारा हवा का दबाव आगे की तरफ होता है, तो ये उसको रोकने के लिए ये आगे सपोर्टें लग गई हैं। और पीछे जो सपोर्टें मैंने लगाई हैं वो मैं आपको मैंने दिखा दी हैं, ये सारा लगा हुआ है, और मैं वो भी आपको प्लेट्स भी दिखाता हूँ। ये देखें इसमें भी सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है। लोंगी की प्लेट है टियर 1 में 435, ये देखिए 435 में है ये, ठीक है, 35 वार्ड में। ये अपना मोनोपरक हाफ कट सेल है, ये डिजिटल न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसमें आया है, तो इसमें तो बहुत सारे ब्रांड और भी आए हैं, हाफ कट मोनोपरक सेल, ठीक है, सबसे, लेकिन ये टियर 1 में और A+ में है, यानी कि टॉप 10 में नंबर 1 पे ये प्लेट है, बाकी प्लेट्स के नंबर इससे आगे हैं, ये सबसे आगे है, ठीक है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये मैंने पहले भी कोई 2-3 जगह पे लगा चुका हूँ मैं, ये मैंने आपको बताया ये काम अभी हो रहा है। ये हमारे भाई हैं जिनके पास हमने लगाया है। जी भाई जान, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगाया है, बिल्कुल सेटिस्फाइड, बिल्कुल एक चीज़ पॉइंट पे लगाई है, रियली सेटिस्फाइड, थैंक यू। आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतमईन, थैंक यू जी, मेहरबानी। ये हमारे गुस्से वाले भाई जान हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, सारा काम इन्हीं का ही है। और ये इसमें टेस्ला का हमने सेट यूज़ किया है, टेस्ला का सेट है, इसको V2 इन्फिनी V2 कहते हैं। ये लगा हुआ है, वाईफाई भी है इसके अंदर, ये V2 है। ये मैंने अंदर से भी आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये देखें कितने सॉफ्ट इसके ये लगे हुए हैं, ये इसके कनेक्टर हैं PV के, ऊपर वाले ये वाले, और वो नीचे वाले वो बैटरियों के कनेक्टर हैं। ये फैन है इसके, ये 2 फैन लगे होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, ये 2 फैन होते हैं इसके, एक स्लो मोशन में चलता है जब हीट होता है, तो फिर दूसरा चलता है, ठीक है। ये इसके कनेक्टर्स हैं इनपुट के, ये देखें AC इनपुट लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी अर्थिंग का जम्पर दिया हुआ है, और लाइन जो आउटपुट की उसके ऊपर भी जम्पर दिया हुआ है। ये ब्रेकर होता है 40 एम्पेयर का, ये देखें 40 एम्पेयर का ऑटोमेटिक ट्रिपिंग सिस्टम इसका ये लगा हुआ है, ये इसका ब्रेकर 40 एम्पेयर का, अपनी प्रोटेक्शन है इसकी, ठीक है। और कुछ भाई किसी को मैं बोलता हूँ यार इसको रीसेट कर लो, तो वो रीसेट करने के लिए ढूंढते रहते हैं कि इसका बटन कहाँ है, तो इसका ऑन ऑफ का बटन सामने नहीं होता, ये सामने इसके सिर्फ मैनुअल बटन है जिससे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, या इसको आप चेक कर सकते हैं कि कितनी प्रोडक्शन है क्या है। इसका जो मैनुअल बटन है वो ये नीचे होता है, ये देखें ऑन ऑफ ये लिखा हुआ है नीचे की तरफ से, ठीक है भाई,
बाजों के जो इनके सेट आए हुए हैं VM2 है, VM3 है, बाजे टाइम जो दो तीन ब्रांड ऐसे भी हैं मैक्स पावर है जैसे, उनका बटन इस तरफ होता है। जब भी मैं सेटिंग की कोई आपको बात करता हूँ कि इसको रीसेट कर लें या UPS इन्वर्टर अपना बंद कर लें, तो आप उसको यहां से बंद किया करें, वो जहां बटन लगा होता है, बटन मैंने नीचे दिखा दिया, सिर्फ ये दो ही जगह है यहां पे और यहां पे। VM3 जो टेस्ला का मॉडल है उसका यहां पे बटन दिया हुआ है गोल वाला, ठीक है, ऑन ऑफ का। और इसके वो जो कहते हैं जी डस्ट के लिए फिल्टर, वो लिखते हैं कंपनियां बहुत सारी डस्ट के लिए फिल्टर जो है डस्ट प्रोटेक्शन, तो वो ये है, ये फिल्टर लगा हुआ है। यहां से जब पंखा एयर खींचता है नीचे से, इसकी जो कूलिंग के लिए हवा होती है, इसको ठंडा करने के लिए जब गर्म हो जाता है, तो वो यहां से हवा अंदर जाएगी, अंदर जाएगी हवा तो यहां से डस्ट भी अंदर जाएगी, तो उन्होंने ये फिल्टर लगा दिया। ये दोनों तरफ होता है, ये फिल्टर जो है आप इसको खोल के साफ कर सकते हैं। उसके ऊपर ये देखें यहां पे, यहाँ पे इसके ना स्क्रू लगे होते हैं, ये स्क्रू लगा हुआ है इसका, इसको भी लगा होगा, ये देखें, तो ये आप स्क्रू खोल के ये फिल्टर साफ कर सकते हैं अपना, ठीक है, फिल्टर साफ कर सकते हैं, लेकिन ये बंद करके कीजिएगा जो भी काम करना है आपने। अच्छा, इसमें ट्यूबलर बैटरियां इस्तेमाल की गई हैं, ट्यूबलर बैटरियां हैं 1800 वोल्ट में फिनेक्स की, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है फिनेक्स वालों का बैटरी का 1800 वोल्ट में, लेकिन बैटरियां शॉर्ट हैं इस टाइम पे, मिल ही नहीं रही। जो पहले बैटरी में लगा रहा था 22-23 हज़ार में लेके, इस टाइम पे ये 30 हज़ार रुपये में चल रही है बैटरी, 30 हज़ार रुपये में इस टाइम पे चल रही है, लेकिन आपके इलाके में हो सकता है आपको सस्ती मिल रही हो, लेकिन मुझे इतने की मिली, ठीक है। ये देखें, ये ट्यूबलर 1800, इसका रिजल्ट ज़्यादा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये डीबी बक्स है इसका, अभी ब्रेकर्स लगेंगे क्योंकि बाहर का काम हो रहा है, तो उसके बाद लड़के यहाँ पे आएंगे तो काम कर देंगे, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, मैंने कहा मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है जी। ये मास्टर शुरू करना।